फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एंड्रम्स के जो बहुत ज़्यादा ही बाल होते हैं उन्हें किस तरीके से रिमूव करें समझ में नहीं आता है, क्योंकि मोस्टली हम जब रेजर यूज़ करते हैं तो हमारे एंड्रम्स की जो स्किन होती है वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और कई कई जो हमारे हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई आते हैं। तो बट मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगी जिस तरीके से मैं अपने एंड्रम्स के हेयर रिमूव करती हूँ। मोस्टली आप देखना, मेरे एंड्रम्स में इतने ज़्यादा बाल भी नहीं है, साथ ही जो मेरी स्किन है वो ब्लैक भी नहीं हुई है। हेयर डेली रिमूव करती हूँ। मोस्टली आपने देखा बहुत सी गर्ल्स वूमेन्स 1 वीक हो जाता है, 1 मंथ हो जाता है, हेयर रिमूव नहीं करती हैं। बट गाइस, बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप ऐसे में कोई भी स्लीवलेस ड्रेसेस पहनेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, और मुझे डेली वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे में मैं 1 शोल्डर स्लीवलेस हर तरीके के कपड़े पहनती हूँ। अगर ऐसे में अगर अपने हेयर रिमूव नहीं करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे। तो मैं आपको सिंपल मेथड बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो भी आप रिमूव कर सकते हैं इजी मेथड से, बट मेरे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है क्योंकि मैं डेली रिमूव करती रहती हूँ। सो आप देख सकते हैं, बट आप मेरी स्किन देखिए, स्किन भी ज़्यादा डार्क या ब्लैक नहीं है। तो वही मेथड मैं आपको बताऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, आप अभी देख सकते हैं मेरी स्किन। मैं यहाँ पर स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी होममेड स्क्रब भी बना सकते हैं, राइस का, बेसन का, जो भी आपको मिले। नहीं तो आप इस तरीके से मार्केट में जो स्क्रब आते हैं बॉडी स्क्रब, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पपाया का बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी मतलब अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईज़िली स्किन से डेड स्किन को ईज़िली निकालता है, स्किन को इतनी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। सो जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ मुझे इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। आपको इस तरीके से धीरे धीरे अपने एंड्रम्स पे जहाँ की स्किन डार्क हो गई है वहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रब करना है। सो गाइस, उसके बाद किसी भी टॉवल से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद कोई भी बॉडी जेल या फेस वॉश जो भी है, सावर जेल, वो आपको यहाँ पर लगाना है। आप चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है और जो हमारे हेयर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर आप विदाउट एलोवेरा या फेस वॉश के उतारेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन पर रैशेस वगैरह भी हो जाए या कोई कट भी लग जाए, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें लगाई हैं। तो इस तरीके से आप इजीली स्मूथली अपने हेयर को रिमूव कर सकती हैं। और ये रेज़र जेल फॉर्म का है, मतलब आपकी बॉडी से छोटे हेयर को भी इतनी आसानी से और इतनी ईजिली रिमूव करता है। सो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा है। सो मैं एक तरफ के ही अभी हटा रही हूँ ताकि आपको फर्क दिखा सकूंगी कि दोनों साइड में क्या फर्क होते हैं, वो आप खुद देखना। सो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉफ़ी स्क्रब लगा रही हूँ जो कि काफ़ी बेस्ट है, और इसके लिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ली है, थोड़ी सी आपको ब्राउन शुगर लेनी है और कोकोनट ऑयल लेना है। इन्हें आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस स्क्रब से आपको यहाँ पर हल्के हल्के से स्क्रब करना है, जिससे जो भी हमारे टैनिंग या सनस्क्रीन टैनिंग हो जाती है। मोस्टली ज़्यादातर तो क्या होता है, हम रेजर यूज़ करते हैं जिस वजह से हमारी स्किन डार्क होती जाती, ब्लीच वगैरह लगा लेते हैं, वैक्सिंग कर लेते हैं और कई केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जिससे यहाँ की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और मोस्टली हम अच्छे से केयर नहीं करते। कई टाइट कपड़े पहनते हैं जिससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो इस तरीके से आपको वीक में एक बार ज़रूर स्क्रब करना है जिससे आपकी जो स्किन है वो ठीक रहे। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ का फ़र्क आपको खुद महसूस हो जाएगा, और उसके बाद कोई भी आइस वगैरह जो होती है उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे लगानी है, इससे कि अगर आपके कोई भी कट वगैरह हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मोस्टली ऐसे में जब हम ड्यू वगैरह परफ्यूम लगा लेते हैं तो आपने देखा कितनी ज़्यादा जलन होती है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आइस लगा रही हूँ, और ये मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपने आइस अपने फेस पर भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे फेस पर भी बहुत ज़्यादा कूलिंग अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट तक अपने यहाँ पे आइस लगानी है और उसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आपको यहाँ पे लगाना है।
सो गाइस, ये सभी चीज़ें अब वीक में एक बार तो कर ही सकती हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, थोड़े से में ही हो सकता है। और उसके बाद अब आप फ़र्क देखिए, यहाँ की स्किन देखिए डार्क आप खुद देख सकती हैं, और वही सेम आप यहाँ की स्किन देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। मैंने अभी सिर्फ एक साइड के ही हेयर रिमूव किए हैं, दूसरी साइड के बिल्कुल भी नहीं किए हैं आपको दिखाने के लिए। साइड मैंने सारी चीज़ें अप्लाई की हैं जो आप रिजल्ट देख सकती हैं, और वही इस साइड देखिए। तो अगर आप इसे ट्राई करके देखेंगी वीक में एक बार भी, तो आपकी स्किन डार्क भी नहीं होगी, साथ ही आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और बिल्कुल वाइट भी रहेगी। तो इस तरीके से आपके जितने भी हेयर है, हेयर की ग्रोथ भी ज़्यादा है तो भी आप इजीली हटा सकती हैं। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपकी मर्जी है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करती हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।